नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गवर्नर से मिली कंगना, अपने साथ हुए अन्याय से अवगत कराया। बीएमसी की तोड़ू कार्रवाई से नाराज बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राज्यपाल भगत सिंह से मिलकर ठाकरे सरकार की शिकायत की है। राज्यपाल और कंगना के बीच यह मुलाकात करीब 45 मिनट चली। मुलाकात के बाद कंगना ने कहा कि मैंने आम नागरिक के नाते राज्यपाल से मिलकर अपने साथ हो रहे अन्याय से उन्हें अवगत कराया। राज्यपाल हमारे गार्जियन की तरह है। कंगना ने कहा कि उन्होंने मुझे बेटी की तरह सुना। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली भी मौजूद थी। हाल ही में बीएमसी ने कंगना के बांद्रा स्थित ऑफिस में अतिक्रमण की बात कहकर कई हिस्सों को तोड़ दिया है। इस तोड़ू कार्रवाई के लिए कंगना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताते हुए उन पर जमकर निशाना साधा है। तो वही बीएमसी ने घर पर भी भेजा नोटिस। कंगना रनौत और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर अब जल्द ही कंगना को बीएमसी का एक और झटका मिल सकता है। पहले उनके पाली हिल्स वाले दफ्तर में किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था। इसके बाद अब बीएमसी ने मुंबई के खार स्थित उनके घर के अंदर किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर भी नोटिस भेजा है। बीएमसी का कहना है कि कंगना के दफ्तर के मुकाबले उनके घर में बीएमसी के नियमों का और भी ज्यादा उल्लंघन किया गया है। फिलहाल कंगना के घर के अवैध निर्माण का केस कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को होगी। सो आई हैड अ मीटिंग विद हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन है यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज somebody who has started from a scratch in this city which has given me so much, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच privileged, और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।